Assalamu alaikum students, welcome in channel linguistics with Huraen. Hope you all are fine. Okay ji students, this is in first line, this is my brief introduction. तो आपको पता है जिस तरह से नेक्स्ट देखें कि हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं सोशियो लिंग्विस्टिक का, और ये सेकेंड लास्ट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ IUP. इसके बाद सोशियो लिंग्विस्टिक का जो है ना सेमेस्टर फिफ्थ का एक टॉपिक रह जाना है ग्लोबल लैंग्वेज प्रैक्टिसेस, जो कि वो भी मैं आपके पेपर से पहले अपलोड कर दूँगी. ठीक है जी, तो सबसे पहले आप तो ये अंडरस्टैंड करें कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है. ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट और पॉलिटिक्स मतलब जो भी इश्यूज और प्रॉब्लम्स हैं, ये एक ही चीज़ के दो नाम हैं. उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि साउथ एशिया जो है उसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं. ये इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ईरान है, अफ़गानिस्तान है. तो ये 7 कंट्रीज आलमोस्ट हैं जो कि साउथ एशिया के में आती हैं. बर आज़म एशिया भी हैं जिस तरह से, तो आई थिंक बर आज़म, खैर एनीवेज, साउथ एशिया जो है उसके अंदर ये 7 कंट्रीज आती हैं, और उनके अंदर लैंग्वेजेस के क्या प्रॉब्लम है और लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट के कितनी काइंड्स हैं पॉसिबली, तो वो सारी हमारे डिस्कस करेंगे. और आपने इसी तरह इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना है पेपर के लिए. ठीक है, तो ये सबसे पहले देखें कॉन्फ्लिक्ट का लिटरल मीनिंग क्या है. तो हाँ, कॉन्फ्लिक्ट्स आर डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स दैट क्रिएट टेंशन इन वन और मोर इंडिविजुअल्स. ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट आपको पता है डिसएग्रीमेंट को ही कहते हैं. ठीक है जी, अब इसकी डेफिनेशन देखें. अकॉर्डिंग टू जॉय केली, कॉन्फ्लिक्ट इज डिफाइंड एज ऑपोजिशन. ठीक है, वही डिसएग्रीमेंट और डिस्प्यूट बिटवीन पर्संस, ग्रुप्स और आइडियाज. व्हाट इज लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट? लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज व्हेन टू और मोर लैंग्वेजेस इंटरैक्ट विद ईच अदर. ठीक है, लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट रिजल्ट फ्रॉम लैंग्वेज कॉन्टैक्ट. द स्टडी ऑफ लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट लैंग्वेज. देखें जी आगे हैं इसकी टाइप्स हैं, टाइप्स हैं लिंग्विस्टिक या लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट की. इसमें इंटर लिंगुअल लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट हैं और इंटर एथनिक लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट हैं. आपको थोड़ा सा इसके नाम से भी पता चल रहा है कि जो इंटरलिंगुअल हैं, इट इज़ बिटवीन द इंडिविजुअल्स. ठीक है, बाय यूजिंग लैंग्वेजेस एज अ मीन्स, जाहिर है जब कोई लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, उसको लैंग्वेज को यूज़ कर रहा है एक सोर्स के तौर पे कम्युनिकेशन के, तो फिर इंडिविजुअल्स के दरमियान में जो इश्यूज क्रिएट होते हैं, जो डिसएग्रीमेंट्स क्रिएट होते हैं, वो इंटरलिंगुअल हैं. और इंटर एथनिक लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट हैं व्हेन एथनिक ग्रुप आइडेंटिटी बिकम इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल. आपको पता है कि हर ग्रुप के लिए उसकी जो लैंग्वेज है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और लैंग्वेज जो है वो एक आइडेंटिटी और सैम्पल के तौर पे भी यूज़ होती है. दे मे अटेम्प्ट टू मेक देमसेल्फ फेवरेबल डिस्टिंक्शन ऑन सोशल डिमेंशन सच एज लैंग्वेज. जिस तरह मैंने कहा ना, ये जिसे कह रहे हैं कि फेवरेबल डिस्टिंक्शन ऑन सोशल डिमेंशन, तो एक लेबल होती है लैंग्वेज, एक सैम्बल, एक आइडेंटिटी है कि हर ग्रुप की ये आइडिया, पंजाबी है, सुराइकी है, पठान है, एंड देर आर मैनी अदर्स. तो इस तरह से ठीक है, लैंग्वेज इज अ सिंबॉलिक फीचर, ठीक है, ऑफ एन एथनिक ग्रुप. तो प्रीवियस सेंटेंसेस में भी यही बात थी कि अभी भी यही बात है, इन द सेंस दैट एवरी एथनिक ग्रुप इज़ डीपली अटैच टू हिज और हर लैंग्वेज और हिज और हर टंग. के जो एथनिक है या डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उनके लिए उनकी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लैंग्वेज सैम्पल के तौर पे होती है. जब लोग एक ग्रुप की दूसरे ग्रुप से कोई डिसएग्रीमेंट हो जाते हैं कि आर लैंग्वेज इज़ सुपीरियर, योर लैंग्वेज इज़ इन्फीरियर, इसकी वोकैबुलरी इस तरह से है, या हमारी कस्टम और ट्रेडिशन इस तरह से हैं, तो फिर ये जो डिस्प्यूट, झगड़ा और डिसएग्रीमेंट्स क्रिएट होते हैं ना, ये एथनिक लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स कहलाते हैं, जो कि ग्रुप्स के दरमियान में होते हैं. और इंटरलिंगुअल होते हैं जो एक ग्रुप के अंदर ही दो इंडिविजुअल्स के दरमियान हो जाएँ. ठीक है, आगे हैं ये लैंग्वेज पॉलिटिकल लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, ये इसकी एक और काइंड है. इसमें देखें क्या होता है कि जो लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट इज़ दी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. येस इट्स ट्रू, जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है सोशल रोल असाइन टू लैंग्वेज इन कंपटीशन,
लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट जो पॉलिटिशियंस हैं या ये क्या होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लैंग्वेज की ना इक्वल तकसीम नहीं होती। जैसा कि मिसाल के तौर पे ये समझे पाकिस्तान में 3-4 लैंग्वेजेस हैं और इसके अलावा कुछ नेटिव लैंग्वेजेस भी हैं, लेकिन ऑफिशियल स्टेटस सिर्फ 2 को हासिल है। ठीक है, जितना एजुकेशन एकेडमिक्स में लिटरेचर पब्लिश होता है वो सारा इन 2 लैंग्वेजेस में होता है, इंग्लिश और उर्दू में होता है। ऑफिशियली जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो 2 में होते हैं, लेकिन आपको पता है पंजाबी है, सुराइकी है, फारसी है, अरबिक है और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारा नेटिव भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इसमें लिटरेचर है, लेकिन इस टाइम में, इस एरा में, इस दौर में सबको ऑफिशियली का स्टेटस हासिल नहीं है, तो ये पॉलिटिकल लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। ठीक है, अब देखिए कि इसमें क्या है। डोमिनेंट लैंग्वेजेस फॉर सर्टन एरिया सच एज एजुकेशन, ठीक है ये देखें, एजुकेशन, गवर्नमेंट, इकोनॉमिक्स, इंस्टीट्यूशंस एंड मीडिया, कि सारी लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेजेस का स्टेटस हासिल नहीं है, सब में डॉक्यूमेंट्स पब्लिश नहीं होते, सारी मुख्तलिफ गवर्नमेंट इदारों में इस्तेमाल नहीं होती, तो जो होती हैं वो डोमिनेट होती हैं दूसरी के साथ, जो डिस्क्रिमिनेशन है या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो दिस इज़ द पॉलिटिकल लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट। ये लैंग्वेज के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, ये दिस इज़ लैंग्वेज पॉलिटिकल लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, वेयर द अदर लैंग्वेज इज एक्सक्लूडेड फ्राम स्टेट नेशनल एजेंडा, फॉर एग्ज़ाम्पल उर्दू एंड इंग्लिश लैंग्वेज इन पाकिस्तान। ठीक है, इनको डोमिनेटिंग पोजिशन हासिल है और बहुत सारी ऑथेंटिक नेटिव लैंग्वेज है जिनको ऑफिशियल का स्टेटस हासिल नहीं है या वो डोमिनेट लीड नहीं कर रही। ठीक है, समझ आ गई स्टूडेंट्स। लैंग्वेज कॉन्टैक्ट कैन कॉज पॉलिटिकल लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट, दिस मे बी कॉज बिटवीन 2 डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप। कैनेडा इज़ अ गुड एग्जाम्पल, फ्रेंच एंड इंग्लिश, यहाँ पे भी 2 को ऑफिशियल स्टेटस हासिल है। अ डोमिनेंट लैंग्वेज ग्रुप इंग्लिश इन कैनेडा कंट्रोल्स द क्रूशियल, मतलब जो इम्पोर्टेंट अथॉरिटी इन द एरियाज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमी। ठीक है, मतलब कनाडा में ये फ्रेंच और इंग्लिश सारे जो है ऑफिशियल स्टेटस है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में या बाकी गवर्नमेंट के इदारों में है, तो हर जगह इसका इस्तेमाल होता है जैसे पाकिस्तान में इंग्लिश और उर्दू का होता है। ठीक है, समझ आ गई। कॉजेज ऑफ लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट, आपको पता है स्टूडेंट्स की वो कौन सी वजूहत, आप ख़ुद भी सोचें कि वो कौन सी वजूहत होती हैं जो कि ये सोचने सबसे पहले कि इंडिविजुअल के दरमियान कौन सी वजूहत होती हैं जो कॉन्फ्लिक्ट का या डिसएग्रीमेंट की वजह बनती हैं, और ग्रुप्स के दरमियान कौन सी होती है। जियोग्राफिकली कोई किसी इलाके से होता है, कोई किसी से होता है, वहाँ के एक्सेंट डिफरेंट होते हैं, तो वो हर कोई डेफिनेटली ये ह्यूमन नेचर है कि हर कोई यही कहता है कि जो हमारे इलाके की है वो एक्सेंट ज़्यादा सुपीरियर है देन अदर। ठीक है, पॉलिटिकल कॉजेज हो जाती है, साइकोलॉजी को इमोशनली हर कोई अपने अपने इलाके से एसोसिएट होता है, उसको अपने इलाके से या प्यार होता है, तो इसलिए वो भी ये कहता है कि वहाँ की लैंग्वेज अच्छी है। या साइकोलॉजिकल और इमोशनल कॉज तो एक बहुत बड़ी वजह है। ठीक है, और इकोनॉमिक कॉजेज डेफिनेटली ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज होती है। अच्छा, जियोग्राफिकली में देखें, जियोग्राफिकल वेरिएशन प्रमोट लोकल आइडेंटिटी, ठीक है, एंड डिस्टिंक्टिवनेस अमंग पीपल, द रीजनल डिफरेंसेस आर आल्सो कॉज्ड बाय लिंग्विस्टिक वेरिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट आउटलुक हाइंड्रिंग नेशनल एंटीग्रेशन। ठीक है जी, आपको पता है हर कोई अपने अपने इलाके में कहता है कि हम जो जिस जियोग्राफिकल एरिया से एसोसिएट है उसको ऐसे लगता है कि वहाँ पे पंजाबी का या सुराइकी का जो एक्सेंट बोला जाता है इट्स आउट क्लास, इट्स सुपीरियर। ठीक है, दूसरे इलाके में उसी लैंग्वेज का जो एक्सेंट बोला जाता है इट इज़ इन्फीरियर। पॉलिटिकल कॉजेज में ये है कि यहाँ पे एक वर्ड सेंटीमेंट्स का वर्ड चूज़ हुआ है कि जो लोग
पॉलिटिशियंस हैं वो इलेक्शन के दिनों में डिफरेंट डिफरेंट जो है वो फ्रेजेस का या वर्ड्स का यूज़ करते हैं, लोगों पे मेंटल अटैक करते हैं, ठीक है, और अपने तमाम अपने जो आर्गुमेंट्स हैं उनको मनवाने के लिए तो वो लैंग्वेज का इस तरह से यूज़ करते हैं। पॉलिटिशियन प्रोसेसिंग नैरो आउटलुक एंड सर्टेन रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज क्रिएट लिंग्विस्टिक फीलिंग अमंग पीपल ऑफ अ लोकेलिटी एंड एक्सप्राइट देयर सेंटिमेंट्स, अपने जो आर्गूमेंट हैं उनको मनवाते हैं, उनको परस्यूटेबल बनाते हैं एट द टाइम ऑफ इलेक्शन एंड इन मैटर ऑफ वेरियस पॉलिटिकल इश्यूज, जैसे कि आपका वतन, आपका इलाका। अगर कोई फीमेल पॉलिटिकल है वो स्पीच कर रही है, पॉलिटिशियन वो कहेगी आपके इलाके की बेटी, आपकी बेटी, आपकी कौम, आपका मुल्क, तो ये तो इस तरह के वर्ड्स हैं वो लैंग्वेज के यूज़ करते हैं अपने आर्गुमेंट्स को परस्यूट कराने के लिए, लोगों को अपनी तरफ माइल करने के लिए। तो ऐसे होता है, यस इट्स ट्रू। साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल कॉजेज अपार्ट फ्रॉम बीइंग द ग्रेटेस्ट फोर्स ऑफ सोशलाइजेशन, इट हैज सर्टेन साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक व्हिच इवोक द फीलिंग ऑफ एथनोसेंट्रिज्म टू अ होमोजीनियस ग्रुप, ठीक है, ऐसे ही है। इसके बाद देखें, इकोनॉमिक्स कॉजेज है, लिंग्विज्म मे डेवलप ड्यू टू इकोनॉमिक्स कॉजेज टू, यस इट्स आल्सो द मेन रीजन द गवर्नमेंट प्रमोट सर्टेन लैंग्वेजेस एंड मेक प्रोविजन फॉर द सपरेट ऑफ लैंग्वेजेस माइनॉरिटी इंड्यूसमेंट। तो ये जो माइनॉरिटी है इसका मतलब है इट्स रिलेटेड टू करेंसी और मनी, ठीक है। स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक, तो काफ़ी सारे बच्चे भी इसे देख के अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं और इसी डाटा को लेके आप अपना पेपर तैयार कर सकते हैं। और मेरे स्टूडेंट्स जिनको समझ नहीं आई थी वो भी दोबारा से एक दफ़ा लेक्चर सुन के चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी और गुड पॉइंट ये है कि ये सारा डाटा अरेंज है एक सीक्वेंस के साथ, ठीक है। तो पीपल एंड स्टूडेंट्स हु नॉट सब्सक्राइब माय चैनल राइट नाउ, प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।